जब ये एंड मोमेंट है तो मैं है ये भी पढ़ ले लें भी पढ़, ले, ये भी, पढ़ ले, ये भी पढ़ लेते हैं फिर कोई दूसरा फ्रेंड आता है वो बोलता है कि भाई ये पढ़ ले इससे पांच क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे तो ऐसे इतने मार्क्स का फायदा हो जाएगा ये हो जाएगा वो हो जाएगा ये सब चीजें एंड टाइम पे करने की नहीं है एंड टाइम पे आपका जो प्राइम एंड ओनली फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए क्वेश्चन प्रैक्टिस पर ठीक है वो भी उन चैप्टर्स को जिसका आपने थोड़ी पढ़ रखा है जिसकी आपको एक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी है सपोज आपने कोई चैप्टर बिल्कुल नहीं पढ़ रखा है सपोज कोई चैप्टर एक्स और आपने उसको एक बार भी नहीं पढ़ा है नॉट इवन सिंगल टाइम तो आप थोड़ा अवॉइड करो उसको कवर करना क्योंकि उसको पढ़ोगे एक बार में इतना जल्दी जल्दी समझ नहीं आएगा फिर पैनिक क्रिएटर लगेगा और फिर हमें लगेगा कि कुछ हो ही नहीं रहा है ठीक है फिर दैट अंडर कॉन्फिडेंस एंड वो सब इनफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स और कुछ आता ही नहीं है कैसे होगा एग्जाम इतना पास है वो सब चीजें स्टार्ट हो जाएंगी ठीक है तो इस टाइम पे प्राइम फोकस है आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस जो चैप्टर आपने एक बार भी पढ़ रखा है अच्छे से कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ

इंपॉर्टेंट चैप्टर है ग्रेविटेशन और electrostatic आप भी आपने पढ़ा होगा पुरुषोत्तम सर सर ने पढ़ाया था ग्रेविटेशन और, gravitation और electrostatic बहुत ही ही पर है मतलब वो उनके concept एक जैसे ही चलते हैं वहां पे बस चार्ज है यहाँ पे मास है और फर्क इतना होता है कि चार्ज की वजह से अट्रैक्शन और रिपल्सिव दोनों फोर्स हो सकते हैं यहाँ पे सिर्फ अट्रैक्शन फोर्स होता है ग्रेविटेशन की वजह से ठीक है दिस इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ओके नाउ अगर हम आगे बढ़ जाए तो हम देखते हैं अच्छा ग्रेविटेशन होता क्या है बेसिकली किन की वजह से पिक्चर में आता है बेसिकली अगर यूनिवर्स में कोई भी दो बॉडीज हैं अगर वो मास कैरी करती है मास बेसिकली एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है अगर वो अपने साथ मास कैरी करती है तो वो एक दूसरे पे ग्रेविटेशन फोर्स लगाती है ठीक है ग्रेविटेशन फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव इन नेचर होता है ठीक है और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है यूनिवर्सल ऑफ आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल टू यू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है अगर आप समझोगे अगर दो कोई पॉइंट पार्टिकल्स है जिनका कोई मास है अगर कोई दो पॉइंट पार्टिकल है और और उनका कोई मास है और लेट से वो किसी आर डिस्टेंस पर रखे हुए तो एक दूसरे पे ग्रेविटेशन फोर्स लगाएंगे और ग्रेविटेशन फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है जी एम वन एम टू ओवर आर स्क्र एम वन एम टू आर दाज ऑफ द बॉडीज जिनके बीच में ग्रेविटेशन फोर्स की बात कर रहे हैं और r इज द डिस्टेंस बिटवीन देम सो दिस इज द ग्रेविटेशन फोर्स यूनिट वही होती है न्यूटन ठीक है ग्रेविटेशन फोर्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन होती है kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर ओके इसमें g आया है व्हाट इज g g इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट जिसके लिए 6.67 10 टू द पावर -11 क्या वैल्यू इसकी सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन अगर याद नहीं है तो अभी मेरे साथ रिपीट करके याद कर लो सिक्स सेवन इंटू टेन टू द यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट यूनिवर्सल मतलब ये सब जगह सेम है ठीक है ऐसा नहीं कि G, G की कैपिटल जी की वैल्यू अर्थ में कुछ है और मून के लिए कुछ है और सन के लिए कुछ है और किसी एक्स वाई जेड प्लेट के लिए कुछ और है ऐसा नहीं होने वाला है ठीक है तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट है ये सब जगह यूनिवर्स में हर एक पॉइंट के लिए सेम ही वैल्यू होल्ड करता है ओके सो दिस इज द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अच्छा इस फोर्स का जो नेचर होता है वो कैसे होता है इस पे तो ग्रेविटेशन फोर्स जो पहली वाली बॉडी लगाएगी वो ऐसे लेगा और इस पे जो दूसरी बॉडी पे जो फोर्स लगेगा वो कुछ ऐसे लगने वाला है ओके तो बेसिकली हमेशा अट्रैक्टिव इन नेचर होता है ठीक है रिपल्शन जैसा नहीं होता इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक केस इस में जैसे सड़ने पढ़ा था ठीक है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है सबसे पहले तो ये जो फोर्स है वो पॉइंट मास के लिए एप्लीकेबल है ये हर किसी के लिए एप्लीकेबल नहीं ये वाला ग्रेविटेशन फोर्स तो एक्सटेंडेड बॉडीज भी लगाएंगे एक दूसरे पर ये वाला जो फॉर्मूला है किसके लिए अपलिकेबल है पॉइंट मासेस के लिए मतलब एम वन और एम टू जो है वो पॉइंट मासेस होने चाहिए ऐसा नहीं कि कोई एक्सटेंडेड बॉडीज भी एक दूसरे पे ग्रेविटेशन फोर्स लगाएंगी बट वो बहुत नेगलिज वो सॉरी एक्सटेंडेड बॉडीज भी एक दूसरे पे ग्रेविटेशन फोर्स लगाएगी बट उसका डेरिवेशन और फार्मूलेज अलग अलग होंगे जो हम आगे पढ़ने वाले हैं ये हमने किसके लिए लिखा है पॉइंट मार्स के लिए तो दिमाग में फिट कर लो कि अगर कोई दो बॉडीज हैं

कि जो फोर्स होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और उसको वेक्टरली ऐड किया जा सकता है और हमें लॉ ऑफ सुपरपोजिशन भी पता है लॉ ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है वैसे तो आप लोगों लॉ ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है अगर कोई पार्टिकल है क्यू नॉट ठीक है सॉरी क्यू नॉट नहीं एम नॉट पे

निकालना है टोटल फोर्स ऑफ एम नॉट निकाल तो हम जितने भी फोर्सेज है उसपे जो लग रहे हैं उनका वेक्टर सम कर देंगे अगर तो उस उसपे नेट फोर्स बता देगा दिस इज दी लॉ ऑफ सुपर पोजिशन जितने भी फोर्सेज लग रहे हैं उनको सबको वैक्टरली एड कर दो समझ याद रखना वैक्टरली एड कर रहा है स्केलर की तरह एड नहीं कर देना है ओके वेक्टर अलजेब्रा में जो अपन सीखा था उस तरीके से तो अगर हम उस उसपे नेट फोर्स निकालना चाहते हैं तो इस तरह से निकाल सकते हैं सारे फोर्सेस को ऐड करके बहुत बेसिक सी चीज है तो मुझे थ्री के जी पे फोर्स निकालना है तो थ्री के जी पे कैसे निकालूंगी थ्री के जी पे जो पहला वाला मास फोर्स लगा रहा है फिर वो जो दूसरा वाला मास फोर्स लगा रहा है और तीसरा वाला मास फोर्स जो लगा रहा है उनको सबको एड कर देना है तो पहले वाले मास ने कितना, लगाया? F1 कितना हो गया मेरे लिए एफ वन हो गया जी एम वन एम टू एफ टू जो हो गया मेरे लिए जी एम वन एम टू जो एफ थ्री हो गया है वो जी एम वन एम टू से कुछ होने वाला है ठीक है तो ये अपने पास कैलकुलेशंस हो गए अच्छा अब देख लेते वैक्टरली ऐड करना है तो हमें पता है कि फर्स्ट वाला पार्टिकल भी इस पर अट्रैक्शन लगाएगा तो ऐसे ही लगाएगा अट्रैक्टिव फोर्स है ना सेकंड वाला पार्टिकल भी अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा थर्ड वाला पार्टिकल भी अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा ये सारे के सारे पार्टिकल्स जो है एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं सबकी डायरेक्शन सेम है तो हम इसको डायरेक्टली ऐड करके लिख सकते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा हमारे पास जो हो जाएगा हम्म इस पर जो हमारे पास चीज हो जाएगी वो हो जाएगी f1 plus f2 plus f3 ऐसे जितने भी फोर्सेस हैं उनका सबका सम तो हमारे पास कितना हो जाएगा gm1m2 ये तो कॉमन ले लिया बचेगा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर सॉरी ये 4 है बेटा x 4 पे रखा हुआ है और ये 8 पे रखा हुआ है 4 स्क्वायर ऐसे करके ठीक है तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो मेरे पास जो, जो नेक्स्ट चीज आएगी वो कैसी निकल के आ रही है जी और सो सो फोर्थ ठीक है अच्छा देखो मुझे जीपी मिल गई है एक इनफाइनाइट जीपी मिल गई है इनफाइनाइट जीपी का सम क्या होता है कैन सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी ऑफ जी जीपी होता है ए अपॉन वन माइनस और आर की वैल्यू कितनी है देखो तो वन बाय फोर आएगी ओके okay? तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास वन में से वन बाय फोर गया तो थ्री बाय फोर यानी कि फोर बाय थ्री तो मेरे पास ये इसका सम आ गया तो मेरे पास फोर्स जो हो जाएगा वो निकल के आ जाएगा जी एम वन एम टू

ठीक है भाई अपन अब इसमें से एक स्क्वायर बना लेते हैं जिसकी साइड कितनी है ए है और वो कहा उसपे क्या क्या मासेज रखे हुए थ्री एम रखा हुआ है, है, है और फोर एम रखा हुआ है ओके द मैग्नेटर ऑफ द ग्रेविटेशन फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास अच्छा अब बेसिकली पे रिजल्टेंट फोर्स निकालना तो देखो अगर मैं देखूं ये पहला वाला पार्टिकल है जो यहाँ पे रखा हुआ है ये कितना f1 फोर्स कितना लगाता है gm अह इसमें यहाँ पे भी m रखा हुआ है सेंटर पे gm1 m2 डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर नाउ व्हाट इज दिस डिस्टेंस व्हाट इज दिस डिस्टेंस दिस इज हाफ ऑफ द डायगनल तो r क्या होने वाला है हाफ ऑफ द डायगोनल अच्छा अगर साइड a है तो डायगोनल कितना होता है a√2 उसका हा दिस इज ए बाय रूट टू डिस्टेंस कितना हो गया ए बाय टू का होल स्क्वायर ओके सिमिलरली अगर मुझे एफ टू निकालना तो जी एम वन एम टू स्क्वायर क्योंकि सेंटर से तो सबका ही डिस्टेंस बराबर है ओके okay? सिमिलरली मैं एफ थ्री निकलूंगी अच्छा अब तो अगर अपन ध्यान से देखें तो अगर ये फोर्स एफ एफ लगता है तो दूसरा वाला पार्टिकल कितना फोर्स लगाएगा टू एफ लगाएगा तीसरा वाला पार्टिकल कितना लगाएगा इधर की तरफ थ्री एफ फोर्स लगाएगा और चौथा वाला पार्टिकल कितना फोर्स लगाएगा फोर एफ लगाएगा तो ये कितना है टू एफ और ये एफ कुछ समझ आ रहा है बेसिकली मैं निकाल तो सबको एक एक चीज करके निकाल सकती थी लेकिन हमने क्या किया हमने थोड़ा सा तो इसको सिंपलीफाई करने का फोर्स क्योंकि इसका इस, देखो इसका मास एम है तो ये एफ फोर्स लगाता है इसका मास टू एफ हो गया जस्ट डबल हो गया तो फोर्स भी डबल हो जाएगा ठीक है थ्री एफ फोर्स लगाता है और ये फोर एफ फोर्स लगाता है अगर आप ध्यान से देखोगे कि तो resultant कितना हो 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 जाएगा? F और 3F का हो जाएगा जाएगा। जो तो और और का का सम सम तो जाएगा वो कैसे लिखोगे अपन? इस तरफ हो जाएगा ये 2F और देखो ये एफ और थ्री एफ एक दूसरे के एंटी रिजल्टेंट तो क्या होगा टू एफ इस डायरेक्शन में एंटी पैरल है तो रिजल्ट फोर एफ माइनस टू एफ so this comes out to be so this comes out to be टू है ओके तो बेसिक बेसिकली मेरे पास ये मोटी मोटी सी चीज होगी अब आगे समझ लेते हैं इसको थो थोड़ा थो 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 कैसे करेंगे तो गड़बड़ हो गई तो अपने पास क्या चीज बची है बेसिकली इसने एफ इधर लगाया इसने थ्री एफ इधर लगाया इसने टू एफ इधर लगाया और इसने फोर एफ इधर लगाया ठीक है तो ये चीज बची है तो उसके रिजल्टेंट मेरे को ऐसे मिल अच्छा ये एंगल क्या मेरे पास 90 डिग्री होता है हाँ ठीक है स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे करते हैं तो ये बेसिकली एंगल 90 डिग्री है मेरे पास तो इनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा टू एफ रूट टू तो रिजल्टेंट फोर्स कितना हो गया रिजल्टेंट हो गया मेरे पास टू रूट टू एफ एफ की वैल्यू कितनी है भाई ये है मेरे पास तो विच इज टू रूट टू जी एम वन एम टू डि ए बाय टू का होल स्क्वायर ठीक है अगर ये उसका ऊपर जाएगा तो ये मेरे पास क्या बच जाएगा जो रिजल्टेंट जो बच जाएगा मेरे पास वो ऊपर जाके फोर टू से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो फोर रूट टू हो जाएगा

और उसको आप ओपन करोगे उसमें नोट्स मिल जाएंगे ठीक है बट इट डजंट मीन कि आप इस आराम से बैठे हो और देखे जा रहे हो मूवीज की तरह मूवीज की तरह नहीं देखना इसको ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ अर्थ एंड मून इज डी ठीक है इफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ अर्थ एंड मून इज डी तो ये बेसिकली अर्थ है उसका ये सेंटर है और ये मून है उसका ये सेंटर है ओके okay?

रोड पे चल रहा है तो पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह नहीं ट्रीट रिलेटिव स्पेस में बहुत छोटे तो अर्थ और मून को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर सकते हैं यहाँ पे क्योंकि हम स्पेस के डायमेंशन में बातें कर रहे हैं जो कि अपने आप में बहुत बड़ी डायमेंशन है ओके okay? नाउ हम ऐसे देखते कि फील्ड जीरो मतलब ग्रेविटेशन फील्ड जीरो होने का क्या मतलब से पढ़ेंगे कोई पॉइंट है अर्थ के सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर जहां पर ग्रेविटेशन फील्ड जीरो हो गया है तो अगर ये एक्स है तो यह कितना हो जाएगा डी माइनस एक्स हो जाएगा ठीक है अगर अर्थ के सेंटर से अगर ये डी एक्स डिस्टेंस पर है तो मून के सेंटर से डी माइनस एक्स डिस्टेंस पर हो जाएगा तो अगर यहाँ पे कोई बॉडी एम नॉट रखी है तो अगर वो जीरो फोर्स एक्सपीरियंस कर रही है तो हम कह देंगे कि भाई यहाँ पे ग्रेविटेशन फील्ड जीरो है तो बेसिकली पहले तो अर्थ की वजह से फोर्स निकालो अर्थ से कितना फोर्स होगा 81 एम एम नॉट जी एम1 एम2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी एम वन एम टू स्क्वायर ठीक है ये चीज है मेरे पास तो अगर तुम तो इसको कैंसिल आउट करोगे तो क्या हो जाएगा जी एम एम नॉट जी एम एम नॉट सो दिसनस एक्स का होल तो एक काम करो इसको रूट ले लो तो नाइन बाई एक्स इज इक्वस टू नाइन ओवर डी माइनस एक्स तो कितना हो जाएगा नाइन डी माइनस नाइन एक्स इज इक्व टू एक्स वहां so, 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 पे जीरो का तो बेसिकली अर्थ ने जितना फोर्स लगाया इस पे उतना ही मून ने लगा दिया तो so, अर्थ ने इसको इधर ट्रैक किया मून ने इसको इधर ट्रैक किया और अगर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर पा रहे हैं तो ग्रेविटेशन फोर्स जीरो अहेड आगे बढ़ जाते हैं थ्री आइडेंटिकल बॉडीज ऑफ ईच मास अच्छे वाले कर रहे हैं तो आराम से सुनना ठीक है एक तीन आइडेंटिकल बॉडीज है जो कि कैपिटल एम लेवल के क्वेश्चन पूछने वाला है अगर आप देखोगे तो हम नीट के लेवल से ज्यादा के क्वेश्चन करें आई डोंट इससे बाहर कहीं पे भी कुछ पूछने वाला है

क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बेसिकली ये बॉडीज़ मूव कर रहे हैं सर्कल में और ये सर्कल में इस तरह से मूव कर रहे हैं कि एक हमेशा है। इसका क्या मतलब है? अगर यहाँ पे पहुंच जाती है तो अगर इन तीनों पॉइंट्स को भी ज्वाइन करोगे तो वो भी इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा मतलब वो इक्विलेटरल ट्राइंगल ऐसे सर्कल के इक्विलेटरल ट्राइंगल अपने वर्टेक्स से सर्कल के ऊपर रखते हुए मूव करता है ओके सो दिस इज बेसिकली क्वेश्चन इज सो एक तो पहले थोड़ा सा डायग्राम को रिफाइन कर लेते हैं ये हमने बहुत गंदा सा बना दिया है आगे बढ़ते हैं तो ये बेसिकली एक सर्किल है जिसके आसपास बॉडी ऐसे रोटेट कर रही है जिसमें बॉडीज रोटेट कर रही है अच्छा तो किसी भी बॉडी पे एक काम करो फोर्सेस लिख लो फोर्सेस लिख लो क्या फोर्सेस लगने वाले तो देखो इस इस वाली बॉडी को इस वाली बॉडी पे लिखते हैं तो इस पहला वाला एम उस पे ऐसे फोर्स लगा रहा है दूसरा वाला एम ऐसे फोर्स लगा रहा है

वट इज आर आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल जिसमें वो रोटेट कर रहा है ओके okay? नाउ पहले तो हम जो एफ और एफ जो दोनों हैं उनका रिजल्टेंट निकाल लेते हैं और उस रिजल्टेंट को एम वी स्क्र बाय आर के इक्वल पुट कर देंगे तो अगर दो फोर्सेस है एफ और एफ और अगर वो 60 डिग्री पे एक्ट हो रहे हैं तो उनका रिजल्टेंट क्या होता है एफ वन एफ टू एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एफ वन एफ टू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दैम तो 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 के लिए कितनी से हो 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 बचता क्या थ्री थ्री मतलब एफ रूट थी। ये चीज मिलती है तो बेसिकली इन दोनों का कितना हो जाएगा एफ रूट हो जाएगा पे उट एम वी r ओके okay? अच्छा अब आर निकाल लेते हैं पहले बेसिकली आर कैसे निकालेंगे तो सबको याद होगा ये वैसे तो अगर इक्विलिटी ट्राइंगल में मैं देखू तो ये डिस्टेंस देखूं या फिर ये डिस्टेंस, देखूं ये या फिर ये डिस्टेंस देखूं। ये आर है सबके लिए तो अगर ये टो थर्टी डिगर, डिग्री होता, तो होता है ये कितना होता है? बाई टू होता है। ये आर है तो अगर मैं डायग्राम में ध्यान से देखूं तो मुझे पता चलेगा कि कॉस थर्टी डिग्री जो होता है वो एल बाय टू डि हो गया कॉस थर्टी की वैल्यू कितनी रूट थ्री बाय टू इज इक्वल टू एल बाई टू आर तो r की जो वैल्यू आ गई है मेरे पास r जो निकल के आ गया वो कितना निकल के आ गया i hope it is visible to you r की जो वैल्यू निकल के आ आएगी ir की वैल्यू l √3 ठीक है r की जो वैल्यू है वो निकल के आई मेरे पास l √3 तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो बेसिकली f की और r की वैल्यू पुट कर देते हैं अच्छा f की वैल्यू तो मैंने निकाल रखी है आउट तो अच्छा, हो रहा है देखो ध्यान से देखोगे तो. तो ये एम एम कैंसिल हो गया रूट थ्री रूट थ्री कैंसिल हो गया एल से एक एल कैंसिल हो गया और क्या बचा अपने पास अपने पास v, अपने पास जीएम बाय इज इक्व टू वी स्क्वेर तो V की वैल्यू कितनी Root of GM by L. हो गई रूट ऑफ जीएम बाय क्या कुछ गड़बड़ हो गई है इसमें एलक्यूब की फॉर्म में आंसर है ना विद व्हाट अच्छा इसने क्या पूछा एंगुलर स्पीड पूछा है ठीक तो है तो अपन एंगुलर इक्वल पुट कर दे सर्कुलर मोशन में पढ़ चुके हैं ठीक है ठीके? तो येगाक्र आप तो एफ रूट थ्री इज इक्वस टू एम ओमेगा ठीक है तो जी एम वन एम टू डि ठीक है तो तो ये कितना हो हो गया गया बस एक 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 से से अच्छा की जो वैल्यू आएगी, आएगी वो आ जाएगी रूट में जी एम इंटू थ्री डिवाइड बाई एल क्यू जी क्योंकि थ्री इधर जाएगा ये रूट थ्री रूट थ्री मल्टीप्लाई थ्री बन जाएगा तो ये कर, सॉरी ऑप्शन so, हो गया, गया. Okay? हाँ, क्वेश्चन है डाउट है तो यू में आस्को समझ नहीं आया तो यू में आस्मी अगेन ओके okay? हमने पहले लीनियर वेलोसिटी निकालती हमें एंगुलर वेलॉसिटी निकालनी एक्चुअली में ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है

यहां पे भी वन के का मास रखा हुआ है और यहां पे टू के का मास रखा हुआ है ठीक है यहाँ पे टू के का मास रखा हुआ है तो बेसिकली इस पे नेट फोर्स निकालना है अच्छा ये वाला इसको ऐसे अट्रैक्ट कर रहा होगा ठीक है ये वाला इसको ऐसे अट्रैक्ट कर रहा होगा और ये वाला इसको ऐसे अट्रैक्ट कर रहा होगा क्लियर है आई होप इट इज क्लियर अच्छा अगर ये एफ फोर्स लगा रहा है तो ये भी एफ फोर्स लगाएगा और ये भी एफ फोर्स लगाने वाला है ओके नाउ हमने पढ़ा है कि अगर एन इक्वल वैक्टर्स एक्ट एट थ्री सिक्सटी बाई एन एंगल रिजल्टेंट एक नोट डाल के एक लिख सकते हो एन इक्वल फोर्सेस या एन इक्वल वैक्टर एक्टिंग एट एन एंगल थ्री सिक्सटी बाय एन विद ईच अदर देन रिजल्टेंट इज तो रिजल्टेंट क्या है जीरो होता है तो बेसिकली अगर डिग्री होता है तो आप करके भी देख लो बेसिकली ये तो नोट करके भी देख लेते हैं तो बेसिकली ये F और इस F का रिजल्टेंट निकालते हैं पहले तो नीचे वाले जो दो है ठीक है तो वो कितना निकल के आएगा एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी कॉस्ट ऑफ वन ट्वेंटी डिग्री कॉस्ट ऑफ वन ट्वेंटी डिग्री कितना होता है माइनस वन बाई टू होता है तो कितना हो जाएगा एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस ऑफ एफ स्क्वायर दिस कम्स आउट टू बी रूट ऑफ एफ स्क्वायर यानी कि एफ तो बेसिकली इन दोनों का रिजल्टेंट क्या निकल के आता है इन दोनों का रिजल्टेंट जो निकल के आता है वो f इधर निकल के आता है और क्या ये f इस वाले f को कैंसिल आउट कर देगा हाँ कर देगा और रिजल्टेंट कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा तो बेटा ये सब क्वेश्चन को पहले करने से पहले क्वेश्चन क्वेश्चन कभी कभी है ना मैं कैलकुलेटर दिया था पर हर क्वेश्चन में से कैलकुलेशन करनी नहीं है तो अगर सिमिलरली अगर हमारे पास हेक्सागन भी होता ना अगर सेम लाइंस पे एक सेकेंड अगर सेम लाइंस पे मेरे पास हेक्सागन भी होता ना ये रेगुलर हेक्सागन होना चाहिए तो बहुत ये प्रॉपर्टी बनानी है

ठीक है और जितने भी फोर्सेज है वो सारे के सारे फोर्सेज इक्वल है ओके तभी जाके एक दूसरे को कैंसिल करेंगे अदरवाइज़ तो कुछ ना कुछ रेसिडुअल बची जाएगा ग्रेविटेशन एक फोर्स है फोर्स एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है तो ग्रेविटेशन फोर्स जो एक्से है, तो क्या हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इतनी सी बात है इसको निकालते कैसे वो देख लेते हैं ठीक है अगर अर्थ की सरफेस पे कोई बॉडी रखी हुई है अगर अर्थ की सरफेस पे कोई मास एम रखा हुआ है अर्थ का जो खुद का मास है वो कैपिटल एम और ये रेडियस आर तो अर्थ का पूरा का पूरा पूरा मास हम सेंटर पे लोकेटेड मान सकते हैं ये हमको पता है है ठीक तो हमारे पास क्या होता है इनके बीच में जो फोर्स होता है वो जी एम एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर ये होता है तो ये क्या है इस वाली बॉडी पे फोर्स लि... इस वाली बॉडी पे जो फोर्स एफ लग रहा है वही लिखा है मैंने ठीक है तो बेसिकली ये जो बॉडी एम है ये अर्थ की सर्फेस रखी हुई है तो इसको तुम रिलीज करोगे तो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होगी और वो इतना बेसिकली तो यहाँ ग्रेविटी तो को जी से डिनोट कर रहे हैं तो जी क्या निकल के आ जाएगा यहाँ पे जी एम बाई आर ये क्या होता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर सरफेस ऑफ दर्थ जी एम बाई आर

नाउ तो बेसिकली ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया एम और आर की फॉर्म में ठीक है ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया अर्थ का मास M क्या है अर्थ मास और आर क्या है अर्थ रेडियस तो ये एम और आर किस फॉर्म में हो गया अर्थ के मास और अर्थ के रेडियस के फॉर्म में अगर क्वेश्चन में ये क्वेश्चन अगर तुम्हारे को मैं मास नहीं दे रखा मास की जगह डेंसिटी दे रखी हो तो तुम कैसे निकालोगे तो बेसिकली मेरे पास जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो है जी एम okay? ये आर और आर की फॉर्म में अगर तुम्हें मास को डेंसिटी से रिप्लेस करना हो तो कैसे करेंगे ठीक है तो मास क्या होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम अर्थ को अगर एक स्वेयर माने तो अपन वॉल्यूम क्या लिख सकते हैं फोर अपॉइंट थ्री

आ, ये इसमें वैसे तो अगर गिवन होगा क्वेश्चन में अगर अर्थ की डेंसिटी ये याद रख सकते हो ठीक है इतना ज्यादा जाद जा, याद करने की जरूरत नहीं ये ये इंपॉर्टेंट है याद रखना ठीक है तो मैंने दो फॉर्मूले बॉक्स में डाल रखे इस पूरी साइड में से ये दो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है ओके चलो आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा अब मैंने बोला था कि ये जो जी है यानी कि जो एक्सेलरेशन डू टू ग्रेविटी वो अर्थ के सरफेस के पास में ठीक है अर्थ के सरफेस से दूर जा, जब जाएंगे तो ये चीज सेम नहीं रहेगी ठीक है अर्थ के सरफेस से जब हम दूर जाते हैं तो ये चीज सेम नहीं रहेगी तो वो कैसी हो जाती है बेसिकली अगर किसी एच हाइट पर चले गए हम अगर अर्थ से किसी एच हाइट पर चले गए और ये आर है ठीक है तो अर्थ के सेंटर से अब कितना डिस्टेंस हो जाएगा आर प्लस एच हो जाएगा पहले कितना था अर्थ क्योंकि सरफेस के पास ही था तो डिस्टेंस कितना था कैपिटल आर के बराबर था वेर कैपिटल द द रेडियस ऑफ अर्थ अर्थ बट पे के सरफेस से हाइट पर चले गए तो बेसिकली बेटा ये पॉइंट याद रखना जब भी कोई स्फेरिकल होता है इसको मांगे पढ़ेंगे भी जब भी कोई स्फेरिकल बॉडी होती है अगर तुम उसके आउटसाइड पॉइंट पर हो यहाँ पे तुम टेक्निकली आउटसाइड पॉइंट पर ही हो एक जब तुम उसके आउटसाइड पॉइंट पर होते हो तो तुम्हें ये बात ध्यान रखनी होगी

इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, ये क्या है, G at height H देते हैं जिसको G लिख है लिख लिख जिसको रखा तो तो ले लो, का तो कुछ नहीं, तो नहीं, तो नहीं, तो नहीं किया इसमें से आर स्क्वायर कॉमन लिया है तो आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो नीचे क्या बचेगा एच वन प्लस एच बाय आर बचेगा ओके

इसका कुछ अप्रोक्सीमेशन किया है ये तो मेरे पास एग्जैक्ट फॉर्मूला इसका कुछ अप्रोक्सीमेशन किया है तो अप्रोक्सीमेशन कैसे करते हैं अगर तुम देखोगे तो इसको तुम कैसे लिख सकते हो जी डैश को तुम लिख सकते हो इज इक्वल टू जी वन प्लस एच आर का पावर माइनस टू अगर एच इज लेस लेस रेडियस ऑफ अर्थ मतलब अर्थ के रेडियस से एच बहुत छोटा है ठीक है तो एच बाई आ अप्रोक्सीमेटली वन प्लस एन एक्स होता है वेन एक्स इज वेरी वेरी लेस देन वन तो यहाँ पे भी कुछ ऐसी सिचुएशन बन रही है यहाँ पे भी तुम देखोगे तो क्या है one plus x to the power n तो one plus x टू the power n ऐसी कुछ चीज है तो और ये h जो ये x जो है वो one से बहुत छोटा है तो उस कंडीशन में one plus x टू the power n को n plus one plus nx लिख सकते हैं तो इसमें इस इस केस में इसको क्या लिख सकते हैं इसको इसमें ची केस में कह सकते हैं g dash is वन प्लस एन एक्स ओके तुम्हारे पास ये हो जाएगा तो जी डैश की जो वैल्यू आ जाएगी वन माइनस टू एच बाय आर तो जाएगी वन माइनस टू एच बाय आर ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ये अप्रोक्सीमेशन है ठीक है ये तो एग्जैक्ट वैल्यू है और ये क्या है अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ओके आई होप इट इज क्लियर ठीक है आई होप इट इज क्लियर टू यू याद रहेगा किसी हाइट एच पर कितना होता है जी वन प्लस एच बाई आर का एच बाई आर का होल स्क्वायर ये हमारे पास फॉर्मूला रहता है अगर मेरे पास एच बहुत छोटा है तो जी वन माइनस टू एच बाई आर इस तरह से भी हम यूज कर सकते हैं ओके नाउ आगे बढ़ जाते हैं से किसी डेप्थ एच पर चले गए अगर, अगर अपन अगर ये मेरा रेडियस है लेट से अगर हम किसी डेप्थ आर पे चले ये मेरा और मैं किसी डेप्थ एक्स पर चली गई तो यहाँ पे भी ग्रेविटी चेंज हो जाएगा वो हम कैसे निकालने वाले हैं ये अभी के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख लो इसका डेरिवेशन बात बिता दूंगी वन माइनस एक्स बाय आर तो जी डैश जो हो जाएगा वो वन माइनस एक्स बाय आर हो जाएगा ठीक है ओके एक्स क्या है सरफेस से सेकेंड नहीं x बेसिकली सेंटर से डिस्टेंस है बेसिकली एक्स यहां है।, यह है ओके नहीं रियली सॉरी कंफ्यूजन डेप्थ x की बात हो रही है ना डेप्थ हम सरफेस से लेंगे ठीक है ओके डेप्थ हम सरफेस ही लेंगे तो वन माइनस एक्स बाय आर ठीक है ये वैल्यू जाएगी अच्छा अब वो बोल रहे है कि अगर मैं सेंटर पे चले जाऊं अर्थ के सेंटर पे अगर हम अर्थ के सेंटर पे चले जाएं तो बेसिकली एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी आर के बराबर हो जाएगी अगर मैं एक्स की वैल्यू इसमें आर की वैल्यू पुट करूंगी तो जी डैश कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा तो जी डैश जीरो हो गया मतलब उस पॉइंट पे बॉडी का वेट जीरो हो गया ठीक है क्योंकि जी डैश जीरो हो गया तो एम जी डैश जीरो एम जी डैश ही तो वेट होता है

उस मोशन की वजह से भी जी चेंज हो जाता है तो बेसिकली यहाँ पे जो बॉडी है वो ऐसे रोटेट करेगी अर्थ के रोटेशन के साथ यहाँ पे जो बॉडी है वो ऐसे रोटेट करेगी अर्थ के रोटेशन के साथ यहाँ बॉडी है वो ऐसे रोटेट करेगी अर्थ के रोटेशन के साथ तो सारी की सारी बॉडी अर्थ के रोटेशन के साथ रोटेट कर रही है तो यहाँ पे ये वाला ये वाली बॉडी इस तरह सेंट्री फ्यूगल फोर्स एक्सपीरियंस करेगी ये वाली बॉडी इस तरह सेंटर फ्यूगल फोर्स एक्सपीरियंस करेगी और ये वाली बॉडी इस तरह फोर्स एक्सपीरियंस करेगी

ठीक है तो बेसिकली इसका एक फैक्टर की, की वजह से भी जो कि को को या कर कर देता है तो basically अगर है तो अगर और और तुम तुम किसी इस point पर हो और तुम ऐसे rotate कर रहे हो ऐसे रहे के मोशन की वजह से okay? तुम किसी एंगलडा पर हो ठीक है तो तुम इस पॉइंट पर जो इफेक्टिव जो जी होगा जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वास इज इक्वल टू जी

जी डिवाइड बाई वन प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर या फिर जी वन माइनस टू एच बाई आर अर्थ के सरफेस से एक्स डेप्थ जी वन माइनस एक्स बाई आर और अर्थ के रोटेशन की वजह से कितना होता है जी डे जी आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लेमडा ओके आई होप इट इज क्लियर टू यू लेट मूव अहेडेरिकल प्लेनेट है एंड डायमीटर डी इसका मास एम पी और डायमी डी पी रेडियस लिख दिया डीपी बाई टू फ्रीली नियर द सरफेस ऑफ द प्लेनेट इस प्लेनेट के सरफेस के पास वो फ्री फॉल कर रहा है ठीक है तो इसका एक्सिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होने वाला है क्या होता है एक्सीन ड्यू टू ग्रेविटी जी एम बाई आर स्क्वायर होता है ये किसका है प्लेनेट का ही मास होता है और ये प्लैनेट का रेडियस होता है ये कितना एक्सपीरियंस करेगा इसके खुद के मास पर डिपेंड नहीं करता है प्लेनेट के मास और उसके रेडियस पर डिपेंड करता है तो इसको क्या लिख देंगे जी एम पी सॉरी लिख दोगे जी एम पी डिवाइड बाय डी पी बायू का होल स्क्वायर रेडियस क्या है डीपी बाय टू है ना तो विच इज फोर जी एम पी डिवाइड बाय डी पी स्क्र कैसा कुछ है

अर्थ साइज तो बेसिकली अर्थ है और ये कोई दूसरा प्लेनेट है तो इसका रेडियस आर है तो इसका रेडियस थ्री आर होगा इसकी डेंसिटी रो है तो इसकी डेंसिटी भी रोगी वेक्टर की डेंसिटी सेम दे रहा है द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज जी तो इधर इसकी इसके पे कुछ जी डैश होगी तो वो जी डैश निकालना है ठीक है अच्छा डेंसिटी और रेडियस की फॉर्म में मैंने जी की निकाली थी तो जी कितना होता है फोर अपॉन थ्री पाई जी रो आर ठीक है तो ये अर्थ के लिए हो गया और ठीक है तो जी बाय कितना हो जाएगा वन बाई थ्री हो जाएगा ओके तो जी डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी थ्री जी हो जाएगी तो जी डैश की वैल्यू कितनी हो गई जी डैश कितनी हो गई थ्री जी हो गई ये फॉर्मूला इसलिए मैंने बताया था याद रखना इंपॉर्टेंट है जी की वैल्यू जी एम बाई आर स्क्वायर होती है तो सबको याद रहता है एक डेंसिटी और रेडियस की फॉर्म में भी याद होना चाहिए पाई रो ओके तो के लिए लिखा प्लेनेट के लिए लिखा दोनों को डिवाइड कर दिया तो मेरे पास ये क्वेश्चन आ गया तो मेरे पास ऑप्शन क्या हो गया डी ये दो हजार पांच का क्वेश्चन ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं द डेंसिटी ऑफ अ न्यूली डिस्कवर्ड ट इज ऑफ अर्थ तो बेसिकली अर्थ है अर्थ इज आर और इसका आर डैश है तो बेसिकली आर डैश निकालना है क्या होगा ओके क्वेश्चन पढ़ देती हूँ ध्यान से सुनो द डेंसिटी ऑफ ए न्यूली डिस्कवर्ड प्लेनेट इज ट्वाइस डेट ऑफ अर्थ

जी इन आर डैश ठीक है ये लिखूंगी मैं तो दोनों को डिवाइड कर दिया तो वन बाई वन आ जाएगा ठीक R R', है तो यहां से अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो आर डैश की जो वैल्यू आती है वो आर बाय टू निकल के आती है आर डैश की क्या वैल्यू निकल के आती है आर बाय टू निकल के आती है तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे लिए ऑप्शन डी आई होप इज दिस क्लियर वेरी गुड देखो कुछ स्टूडेंट यहाँ पे बैठ के सॉल्व कर रहे हैं और साथ साथ जवाब दे रहे हैं ठीक है थीके? I'm seeing the chat constantly. तो अगर आप लोग बाकी लोग भी ऐसे ही करोगे तो ये तो कुछ helpfull पड़ेगा, okay? वरना से बैठे-बैठे रहने से तो कुछ मजा नहीं आएगा करने में भी, ठीक है? And how the sessions are going? If it is useful for you, if you want something else, or how is it going? You just always write in the feedback section or in the comment section, okay? Now, next question is, the height at which the weight of the body become one upon sixteenth of its weight on the surface of the earth. देखो वेट कितना हो गया है वन अपॉन सिक्सटीन हो गया है वेट किस पे डिपेंड करता है जी पे डिपेंड करता है तो बेसिकली जी डैश कितना हो गया है जी का वन अपॉन सिक्सटीन हो गया है क्या ये बात समझ आ रही है किसी हाइट पे जी डैश जो है वो एक्चुअल जी का वन अपॉन सिक्सटीन हो गया है ठीक है तभी तो वेट वन अपॉन होगा ठीक है अच्छा जी किसी हाइट एच पे कितना होता है जी वन प्लस एच का होल स्क्वायर यही होता है सो so, अगर इन दोनों इक्वेशन से देखूं तो जी वन प्लस एच बाय आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जी वन बाय सिक्सटीन तो मुझे तो मुझे ये देख के समझ आएगा वन प्लस एच बाय आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सिक्सटीन तो वन प्लस एच बाय आर कितना हो जाएगा फोर तो एच बाय आर कितना हो जाएगा थ्री तो एच कितना हो जाएगा थ्री आर ओके तो आंसर okay? तो क्या हो जाएगा ऑप्शन ओके okay? सबको याद होना चाहिए मैंने तीन चार बार रिपीटेडली से याद कराया क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है कि, कि किसी हाइट एक्स पर जो जी होता है वो इतना होता है ओके okay? अगर किसी को अभी याद नहीं आ रहा है तो यू थोड़ा तो रिवाइंड करके देख सकते हो okay? ओके किसी हाइट पे इतना होता है एवरीबडी इज एबल टू सॉल्व इट क्या सबको समझ आ रहा है यस वेरी गुड चलो आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लेनेट ए इज टाइम्स एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन प्लैनेट बी भाई कोई प्लेनेट ए है और कोई प्लेनेट बी है अब मुझे पता नहीं कौन सा बड़ा है, मैं तो डायग्राम बना दिया तो ए पे जो एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो बी के नाइन टाइम्स है तो अगर बी पे जी है तो इस पे नाइन जी हो जाएगा ठीक है ए मैन जम्प्स टू ए हाइट ऑफ टू मीटर ऑन द सरफेस ऑफ ए हाइट जम्प बाय दर्सन ऑन दी प्लेनेट बी अच्छा यार इसको देखो ध्यान से समझो अच्छा क्वेश्चन है 2013 का क्वेश्चन है बेसिकली हाइट में डिफरेंस क्यों आ रहा है भाई एक प्लेनेट पे वो ज्यादा उछल सकता है दूसरे पे वो कम उछल सकता है वो क्यों रहा है क्योंकि एक प्लेनेट पे उसको ज्यादा ग्रेविटी से आर्थ नीचे की तरफ पुल कर रही है और एक पे उतनी ग्रेविटी से पुल नहीं कर रही है तो जो ज्यादा पुल कर जिसको जहां पर ज्यादा पुलिंग फोर्स है वो कम हाइट तक जाएगा

हाइट क्यों चेंज हो रही है क्योंकि जी चेंज हो रहा है तो दोनों केस में यू और यू तो सेम ही है दोनों ने सेम वेलोसिटी से ऊपर जाने की कोशिश की है बट दोनों में हाइट चेंज हो रही है इसे क्या मतलब रूट टू जी जी एच इज इक्व टू रूट टू जी एच डैश जी डैश एच डैश ठीक है ये किसके लिए लिखा है ए के लिए लिखा है और ये किसके लिए लिखा है बी के लिए लिखा है तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ जी एच इज इक्व टू जी डैश एच डैश हाँ मैं ऐसे बोल सकती हूँ अच्छा जी की वैल्यू कितनी है पहले वाले के लिए अच्छा ऐसे इसको थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग एक एक काम करो इसको तक सब क्लियर था है ना कि भाई एक फिक्स वैल्यू ऑफ़ यू से ही इंसान उछल सकता है ऊपर की तरफ बट जिसमें ग्रेविटी ज्यादा होगी उसको पुल डाउन कर लेगी ठीक है तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ पहले प्लेनेट पे जितनी स्पीड से वो उछला था दूसरे प्लेनेट पे भी उतनी स्पीड से उछल पाएगा तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ रूट टू जी वन एच वन इज इक्वल टू रूट टू जी टू एच टू ठीक है तो जी वन एच वन इज इक्वी जी वन है टू मीटर तक दे रखी है मतलब वो ए के सरफेस पे दो मीटर तक ऊपर जा सकता है तो इसमें एच टू की वैल्यू निकालनी सॉरी कितनी होगी तो क्या मैं ये लिख सकती हूँ नाइन जी एच वन इज इक्वल टू जी एच टू ठीक है तो मेरे पास क्या जी से जी कैंसिल हो जाएगा एच टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी एटीन मीटर वेरी गुड कुछ स्टूडेंट कर भी पा रहे हैं आई होप इट इज क्लियर हाँ जो भी बाकी स्टूडेंट्स बैठे हैं आई होप दे आर सिटिंग एंड डूइंग क्वेश्चन ओके कुछ ऐसा है जो नहीं क्लियर है तो यू मे आस्क लेट मूव अहेड अदरवाइज बॉडी ऑफ वेट टू हंड्रेड न्यूटन ऑन दी सर्फेस ऑफ दर्थ एक बॉडी है जिसका वेट सर्फेसू हंड्रेड न्यूटन है सेंटर ऑफ दर्थ मतलब तो बेसिकली डेप्थ पे जाने पे होता क्या है डेप्थ पे जाने पे एक्सेलेन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होता है ठीक है तो तो बेसिकली मुझे एम दे रखा है अर्थ की सरफेस पे कितना दे रखा है टू हंड्रेड न्यूटन दे रखा है तो मुझे एम डैश चाहिए कितना होगा ठीक है अच्छा जी डैश कितना होता है जी वन माइनस एक्स बाय आर ये चाहिए मुझे इसको वेट बोल दिया यही वेट चाहिए मुझे तो वेट इज इक्व टू एम और ये जी डैश किसी डेप्थ एच पर किसी डेप्थ एक्स पर इतना होता है तो एम वन माइनस आर बाय टू आर क्योंकि एक्स की वैल्यू कितनी है हाफ वे डाउन हाफ डाउन द अर्थ मतलब नीचे की तरफ तो से लग गए जी बाय टू सो दिस इज कम्स आउट टू बी एम जी बाय टू यानी कि वेट कितना आ जाएगा हाफ वे डाउन दर्थ एम जी बाय टू यानी कि टू हंड्रेड बाई टू यानी कि हंड्रेड न्यूटन तो क्या मेरे पास ऐसा ऑप्शन है हाँ मेरे पास एक ऐसा ऑप्शन है विच इज टू भाई ये कर पाए लोग इस, इस वाले का आंसर नहीं आया बाकी सबके तो आंसर निकल निकल के आ रहे थे इस वाले क्वेश्चन का आंसर नहीं आया ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से 2019 हजार का क्वेश्चन है ये अरे कुछ तो बोलो भाई एनी विच ठीक है वापस अर्थ की सरफेस पे जो वेट है वो कितना है टू न्यूटन

सरफेस पे तो एम जी होता है तो बीच सेवेंटी टू न्यूटन्स हाइट पे कितना हो जाएगा वेट हाइट पे वेट हो जाएगा एम जी डैश यानी कि एम जी डैश के लिए कितने जी वन प्लस सॉरी जी वन प्लस एच बाय आर का होल स्क्वायर ये किसी हाइट पर होती है अपने लिए तो ये कितना होता है अपने पास एम जी वन प्लस एच बायर का होल स्क्वायर अच्छा एम जी की वैल्यू कितनी अपने लिए? 72 है अपने लिएवेंटी टू न्यूटन है करेक्ट तो सेवेंटी टू यहां पे लिख देंगे M, की जगह और वन प्लस एच बाई आर लिखना है अच्छा एच की वैल्यू कितनी है आर बाई टू ठीक है तो आई थिंक आपको इधर विजिबल नहीं होगा मैं इधर तो लिख देती हूँ दूसरी तरफ ये चीज निकालनी है

ओके, okay. कितना ये थर्टी टू हो जाएगा तो आंसर कितना ऑप्शन बी ओके बेटा इसमें बी फोर्टी एट कैसे आ रहा है बेटा, ये तो करेक्ट नाम भी नहीं बता मुझे बी आएगा ना इसमें क्या, क्या तो MG, आ रहा है तुम्हारा क्या मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है एक बार वापस से देख लेते हैं तो एम जी वन प्लस एच बाय आर आएगा ओके तो वन प्लस वन बाय टू

यानी g माइनस आर ओमेगा स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू जीरो क्योंकि वेट जीरो हो गया ना वेट शेल बी जीरो वेट शैल बी जीरो मतलब g डैश इज इक्वल टू इक्वेटर तो मैंने उसको इक्वेटर पे जीरो के पुट कर दिया तो g इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर तो ओमेगा की वैल्यू देखिए जी बायर का रूट ओवर ठीक है तो ये g बाय आर का रूट ओवर वैल्यू हो जाएगी अच्छा अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो इसमें बोल रहा है कि g के लिए इतनी लेनी है और r के लिए इतनी लेनी तो, ले तो, ले है तो g के लिए tan ले ली r के लिए 6400 किलोमीटर है तो उसको मीटरस में चेंज कर लो तो ये हो जाएगा इससे कैंसिल आउट हो गया तो ये कितना हो जाएगा 1/80 और 80 6400 का रूट कितना होता है 80 ओके okay? और 100 का 10 तो 1/800 टाइप से हो जाएगा अगर अगर अपन इसको देखें तो इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व करते हैं चलो नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं वन अपॉन एट हंड्रेड का रूट ये वैल्यू आ रही है अपने पास तो अपने पास ओमेगा हो जाएगा वन अपॉन एट हंड्रेड का रूट यानी कि वन अपॉन एट का रूट और वन अपॉन हंड्रेड का रूट अच्छा वन अपॉइंट एट का कितना था टू रूट टू होता है और इसका कितना था वन अपॉइंट टेन होता है ठीक है तो वन अपॉइंट ट्वेंटी रूट टू हो जाएगा ओके तो ये ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास अच्छा एक काम करो ऊपर नीचे रूट टू से मल्टीप्लाई कर दो तो ये अपने कितना जाएगा रूट टू डिवाइड बाय फोर्टी यही आ जाएगा रूट टू डिवाइड बाय फोर्टी ये चीज आ गई है मेरे पास अच्छा रूट टू क्या वन पॉइंट फोर वन फोर डिवाइड बाय फोर्टी ठीक है तो पॉइंट थ्री समथिंग आएगा ठीक है पॉइंट थ्री इंटू टेन टू द पावर यह आएगा बेटा ऑप्शन थ्री आंसर हो जाएगा ओके, सॉरी, आई हैव ऑलरेडी डन द रूट हाँ मैंने ऑलरेडी रूट कर दिया हाँ करेक्ट बोल रहे हो करेक्ट बोल रहे हो हाँ सॉरी माय मिस्टेक इसको सबको डिलीट कर देते सॉरी आईव ऑलरेडी डन द रूट सो दिस कम्स आउट टू बी वन अपॉन एट्टी इन टू टेन टू वन अपॉन एट हंड्रेड

जीरो हो गया है इफेक्टिव एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो हो गया तो मतलब जी जीरो हो गया जी डैश इक्वेटर के लिए क्या लिखेंगे जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस लैम्डा ठीक है तो अगर इक्वेटर के लिए हम देखेंगे तो ये वाला पॉइंट होता है दिस वन तो ये इक्वेटर के लिए इस पे देखेंगे तो लैम्डा जीरो है लैम्डा की वैल्यू जीरो पुट पे तो जी डैश इज ओमेगा स्क्वायर तो ओमेगा की वैल्यू होगी रूट जी तो ओमेगा की वैल्यू की वैल्यू टेन रखी और आर को मीटर्स में चेंज करके लिखा तो वन अपॉन्ट एट हंड्रेड आया वन अपॉन्ट एट हंड्रेड यानी कि पावर माइनस थ्री ओके आई होप इट इज क्लियर नेक्स्ट पेज पे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट होता है ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी ओके okay? नेक्स्ट होता है ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी तो एक काम करते हैं पहले अपन इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा ग्रेविटेशन फील्ड डिफाइन क्यों किया हमने पहले तो समझ लेते हैं देखो मैंने यहाँ पे एक बॉडी थी मेरे पास लेट्स से कोई एम नॉट मास की उसके पास मैंने कुछ एम वन मास रखा तो मेरे पास उसने कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया एम वन ने g एम वन एम टू डिवाइड बाई आर स्क्वायर वेयर r इज दिस डिस्टेंस अगर सेम ही एक सिनेरियो हो बट एम नॉट के विसिनिटी में r डिस्टेंस पर मैं एम टू मास रखूं तो मेरे पास g कितना हो जाएगा g एम नॉट एम टू डिवाइड बाय आर स्क्वायर अगर मैं कोई एम मास रखूं इधर

और उससे कितना डिस्टेंस है उस पर तो ध्यान तो बेसिकली होता क्या है एक एम नॉट जो मास होता है अपनी विसिनिटी में एक फील्ड जनरेट करता है जिसकी वैल्यू इतनी होती है और उस फील्ड में इसको बोल देते हम ई या फिर कुछ कुछ जगह आई बोल देते हैं ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी ठीक है अगर इस फील्ड में कोई अगर मास रखते तो फोर्स कितना फील करता है एम ई फील करता है ओके okay? तो बेसिकली ई e क्या है ये एम नॉट मास में फील्ड जनरेट करता है और उस फील्ड में कोई अगर मास रखते हैं तो वो मास जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है वो एम इन टू होता है ओके आई होप इट इज क्लियर तो बेसिकली इसी तरह से ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन की और अपन ने किसके लिए डिफाइन करी हमने ये पॉइंट मास के लिए, करी है? के लिए करी है तो यहाँ पे आई से डिनोट कर रखा है तो आई होता है जीएम बाई आर स्क्वायर डायरेक्शन बेसिकली अगर ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो अगर ये आर डायरेक्शन में अभी आप मत जाओ इतना ज्यादा जरूरत नहीं है बेसिकली ध्यान तो जो ग्रेविटेशन फोर्स की डायरेक्शन होती है वही फील्ड की डायरेक्शन होती है तो अगर आर वेक्टर ऐसे है तो फोर्स उसके ऑपोजिट लगेगा ना भाई ये कोई पॉइंट है इससे आर वेक्टर पे तुमने फोर्स देखा तो फोर्स की डायरेक्शन कैसी लगेगी अट्रैक्टिव होगी तो ऑपोजिट डायरेक्शन लगेगी इसलिए नेगेटिव साइड का ओके नाउ एक चीज होती है ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन एक बार ग्रेविटेशन फील्ड का इसको आराम से पढ़ता है इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो ये अपने पास क्या होगी नाउ दूसरा ना वही है ओके okay? जो हमने अर्थ के लिए जो जी डिफाइन किया वही ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी है ना नेक्स्ट ब्रिंगिंग द यूनिट मास फ्रॉम द इनिटी टू दैट पॉइंट इज इन द ग्रेविटेशन फील्ड तो बेसिकली अगर हम एक 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 कोई कोई चार्ज पार्ट मास मास है है और इंफिनिटी से दूसरा लेके आ रहे हैं ठीक अब होगा क्या बेसिकली ये दूसरा मास जो लेके आ रहे हो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा फोर्स अट्रैक्शन फील करेगा ठीक है तो मैं चाहती हूँ कि वो भ, वो बेसिकली उसकी क्या होगी भगने की टेंडेंसी होगी एक्सलरेट होने की टेंडेंसी होगी क्योंकि उस पर अट्रेक्टिव फोर्स लग रहा है तो मैं कि वो ना भागे तो वो धीरे 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 जाए ठीक है तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा दूसरा एक ऑपोजिट डायरेक्शन फोर्स लगाना पड़ेगा ठीक है तो मैं उसको इंफिनिटी से इस पॉइंट ऑब्जेक्ट के पास लेके आ रही हूँ तो बेसिकली ये तो इधर ट्रेवल करना चाह रहा है बट मैं इसको ऑपोजिट फोर्स लगा के धीरे 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 लेके आ रही हूँ तो बेसिकली जो मैंने फोर्स लगाया ग्रेविटेशन पोटेंशियल ग्रेविटेशन फील्ड के अगेंस्ट उसका जो वर्क डन है पर यूनिट मास वही ग्रेविटेशन पोटेंशियल होता है ठीक है तो अगर तुम देखोगे उसका जो फॉर्मूला होता है अगर कोई पॉइंट मास है एम और अगर इस पॉइंट पे ग्रेविटेशन पोटेंशियल निकालना है ठीक है तो वो कितना होता है जी एम बाई आर किसी आर डिस्टेंस पर ओके तो मेरे पास ग्रेविटेशन पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया तो एक बार कुछ चीजें हैं जो याद रखने वाली है फोर्स जो होता है वो जी एम वन एम टू डिड बाई आर स्क्वायर होता है ग्रेविटेशन फील्ड जिसको आई या ई से बोलते हैं वो जी एम बाई आर स्क्वायर होता है ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी होती है वो जी एम वन एम टू डिवाइड आर होती है पोटेंशियल <coughs> जो होती है वो जी एम बाई है तो फोर्स पर यूनिट मास इज वी ठीक है v, तो बेसिकली मेरे पास क्या होता है एफ जो होता है वो क्यू ई e होता है ये स्केल ये, ये दो वैक्टर क्वान्टिटी है और जो यू जो होता है वो क्यू वी होता है ये मेरे पास स्केलर क्वांटिटी है ओके ये याद रखने तुम्हारे को तो ये होती है यू जो होती है पोटेंशियल एनर्जी होती है और वी जो होता है पोटेंशियल फील्ड होता है आई होप ये सबको आता है हमने पढ़ा हुआ भी है कई बार ये अपने पूरे साल भर में कहीं ना कहीं तो आपने काम लिया होगा इसको ये अच्छा ये ये जो चैप्टर है ना इन चार फिजिकल क्वांटिटीज के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है बेसिकली इससे ज्यादा चैप्टर में है नहीं कुछ ये पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए बस बाकी सब एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट से निकाल लेता है

तो एक स्पेरिकल शेल है शेल का क्या मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे मास होता है ओके शेल मतलब शेल जैसा है कुछ तो अंदर मास नहीं अंदर हॉलो है खाली अंदर से सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे मास है तो हम इसके लिए पोटेंशियल डिफाइन करते हैं और ठीक है पहले इन्होंने क्या डिफाइन कर रखा है पोटेंशियल डिफाइन कर रखा है अगर तो इसके सरफेस के बाहर वाला कोई पॉइंट होता है जो कि इस... सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर है इसका खुद का जो रेडियस होता है वो कैपिटल आर होता है इसका खुद का जो मास होता है वो कैपिटल होता है अगर तुम किसी बाहर वाले पॉइंट पे देखो तो पोटेंशियल होता है वो जी एम बाई आर होता है सरफेस पे अगर तुम देखो तो जो R की जो की वैल्यू होती है वो कैपिटल आर के बराबर हो जाती है तो सरफेस पे होता है वो जी एम बाय कैपिटल आर होता है और अंदर की तरफ किसी पॉइंट पे देखो तो पोटेंशियल जीएम बाई आर होता है ये किसके लिए दिख रहा है मैंने पोटेंशियल के लिखा है अगर मैं फील्ड के लिए लिखूं ग्रेविटेशन फील्ड अगर मैं ग्रेविटेशन फील्ड के लिए लिखूं तो तुम ध्यान से देखना यहां पे जो फील्ड होता है वो जीएम बाई आर स्क्वायर होता है यहां पे जो होता है वो जीएम बाई कैपिटल आर स्क्वायर होता है अंदर की तरफ होता है वो जीरो होता है ओके याद रख लो इसको बस ठीक है पोटेंशियल के लिए जब हम लिख रहे हैं तो पोटेंशियल क्या होता है बाहर की तरफ जीएम बाईर सरफ़ेस पे जीएम बाय कैपिटल आर और अंदर की तरफ जीएम बाय कैपिटल आर और जब ग्रेविटेशन फील्ड की बात जब अंदर हॉलो है ना तो फील्ड भी जीरो ये ध्यान जब अंदर है तो, तो पोटेंशियल होता है यहाँ पे जीएम बाई आ है तो अंदर भी जीएम बाई आ है ठीक है याद रख लो इन फॉर्मूले को अगर अंदर से हॉलो है सबस्टेंस अंदर से हॉलो है मटेरियल तो पोटेंशियल वही होता है जो सरफेस पे होता है बट इलेक्ट्रिक फील्ड वो नहीं होता है जो सरफेस पे होता है इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी ग्रेविटेशन फील्ड वो नहीं होता है जो सरफेस पे होता है फील्ड क्या होता है जीरो होता है ओके आई आई होप एवरीबॉडी विल रिमेंबर दिस एम जस्ट जस्ट रिवाइजिंग इट रिपीट आफ्टर मी क्योंकि फॉर्मूले और रिविजन करने का बार बार ऐसा नहीं है कि आज से दस दिन बाद वापस रिवाइज कर लो इतना टाइम नहीं है जस्ट रिपीट आफ्टर मी एंड रिवाइज इट मी दिस इज जी एम बाई आर आउटसाइड जीएम बाई कैपिटल आर ऑन द जीएम बाई कैपिटल आर इनसाइड पोटेंशियल के लिए डिफाइन किया है अगर मैं वही बात ग्रेविटेशन फील्ड के लिए करूं तो बाहर कितना है जीएम बाई आर स्क्त सरफेस और अंदर की तरफ कितना है जीरो और ये अंदर हर एक पॉइंट पे जीरो ऐसा नहीं कि सेंटर पे जीरो इधर 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 सब जो भी जितने भी पॉइंट है उनपे वो जीरो है ओके आई होप इट इज क्लियर तो ग्रेविटेशन फील्ड होता है जो अंदर जीरो होता है और पोटेंशियल तो वही होती है जो सरफेस पे होती है ओके नाउ पहला इन्होंने क्या कर रखा है फील्ड बना रखा है तो इन मैंने वापस से बताया था वापस से बोलो इन साइड पॉइंट के लिए जीरो होता है आउट सरफेस के लिए क्या होता है सरफेस के लिए क्या होता है जीएम बाय कैपिटल आर है और आउटसाइड कितना होता है जीएम बाय स्मॉल आर स्क्वायर ओके तो देखो सरफे इन साइड का पॉइंट है मतलब आर जो है वो लेस देन कैपिटल आर है मतलब तुम अंदर के पॉइंट की बात कर रहे हो ना तो मतलब वो वाले पॉइंट जो सेंटर से रेडियस से छोटे हैं रेडियस के अंदर अंदर आते हैं और ये आर इजिकल टू कैपिटल आर की बात हो रही है और ये ग्रेटर देन कैपिटल की बात हो रही है बाहर वाले पॉइंट तो अंदर वाले पॉइंट के लिए तो इलेक्ट्रिक पो, ग्रेविटेशन पोटेंशियल जीरो है ठीक है सरफेस वाले पॉइंट के लिए अचानक से जीएम बाई आर स्क्वायर बढ़ गई और फिर आउटसाइड पॉइंट के लिए क्या हो रहा है वन तो ये किसके करस्पॉन्डिंग प्रोपोर्शनलिटी है अगर ये गर्व देखोगे तुम ध्यान से तो ये स्क्वायर की प्रोपोर्शनलिटी है ये वाला जो कर्व है ठीक है तो ग्रेविटेशन फील्ड ऐसा हो जाता है ओके ना पोटेंशियल अगर देखते हैं तो इनसाइड पॉइंट के लिए कितनी होती है माइनस जीएम बाई आर सरफेस के लिए कितनी होती है जो वही जो अंदर होती है और आउटसाइड पॉइंट के लिए कितनी होती है माइनस जीएम बाई स्मॉल आर तो देखो इन साइड पॉइंट के लिए तो कॉन्स्टेंट है ना पोटेंशियल मतलब तुम जीरो से लेके कैपिटल तक जब पहुंचे हो बेसिकली इन साइड पॉइंट के लिए पोटेंशियल है तो तुम यहां से लेके यहां तक ट्रेवल कर रहे हो अगर कैपिटल आर तक तो उस दौरान पोटेंशियल कॉन्स्टेंट है तो ये देखो तुम्हें कॉन्स्टेंट एक चीज मिल रही है यहां पे इसके बाद क्या हो रहा है सरफेस पे तुम्हारी वैल्यू जीएम बाई आर है जो वही है और बाहर निकलते तो किसके प्रोपोर्शनल है

इसका कर्व ये जीरो और ये वन अपॉन आर स्क्र के प्रपोर्शन और ये वन अपॉन आर के प्रपोर्शन आई होप इट इज क्लियर लेट्स मूव अहेड आगे बढ़ जाते हैं अब ये तो बात हुई होलो स्फेयर की अगर हम अग बात करें सॉलिड स्पेयर की तो उस केस में हमारे लिए क्या होने वाला है ये तो बात हो गई होलो स्पेयर की अगर हम सॉलिड स्पेयर की बात करें तो उस केस में क्या होने वाला है तो तुम ध्यान से देखो अगर अंदर के किसी पॉइंट की बात करें ना अंदर के किसी पॉइंट की बात करें तो मैं लिख देती हूँ फील्ड जिसको आई से डिनोट कर रखा है यहां पे, तो जो फील्ड होता है वो ये होता है जीएम आर बाय आर क्यू काम करते हैं इसको By ये आर अंदर के पॉइंट पे आ गए तो small r r तो, small r r तो 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 RQ, तो एक आच एक आच आच तो की की वैल्यू क्या क्या होगी के के बराबर इस जगह करो सरफेस लिए बचेगा एक एक से हो जाएगा ठीक है और बाहर की तरफ आ गए तो क्या बचेगा जीएम बाई स्मोल ठीक है जीएम बाई स्मोल ये अपने लिए फील्ड हो गया ये अपने लिए क्या हो गया? Field हो गया. अगर अपन पोटेंशियल देखें तो पोटेंशियल जो होती है ना वो ये है थोड़ा सा टिपिकल फॉर्मूला है बट दो तीन बार देखोगे ना कोशिश कि अभी याद करो दो तीन बार देखोगे तो याद आ जाएगा तो माइनस जीएम डिवाइड बाय टू आर क्यूब माइनस जीएम डिवाइड बाई टू आर क्यूब इंटू थ्री आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ठीक है तो माइनस जीएम बाय टू आर क्यूब इंटू थ्री आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ओके माइनस जी एम बाय टू आर क्यूब थ्री आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ओके

सरफेस पर जी कितना हो जाएगा माइनस जी बाय आर देखो ये लिखा हुआ है सरफेस पर ठीक है और अगर किसी बाहर के पॉइंट पे आते तो वो माइनस जी बाय स्मॉल आर के बराबर ओके माइनस जी बाय स्मॉल आर के बराबर okay? इसमें एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है सेंटर पे भी कुछ नहीं है ये वाला फॉर्मूला याद तो है तो सेंटर पे भी निकाल सकते हो सेंटर के लिए बेसिकली स्मॉल आर के लिए जीरो है तो कितना हो जाएगा थ्री आर स्क्वायर और नीचे टू आर 2r बचेगा तो थ्री 3 टू आर बचेगा तो माइनस तो GM थ्री बाई टू आर ओके अपने पास माइनस जीएम बाहर पे कितनी माइनस जीएम बाई स्मॉल आर और अंदर की तरफ कितनी माइनस जीएम डिवाइड बाई टू आर क्यू इंटू थ्री आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर है अभी इसको याद कर लो रिमेंबर मेमराइज दिस फॉर्मूला ओके अगर ग्रेविटेशन फील्ड देखे तो इन साइड पॉइंट के लिए क्या होती है पे? किसी इन साइड पॉइंट के लिए होती है जीएम आर डिवाइड बाई आर क्यू ठीक है सरफेस पे कितनी होती है जीएम बाय आर स्क्वायर और आउटसाइड पे कितनी होती है जीएम बाय स्मॉल आर स्क्वा और अगर तुम इस इसमें पोटेंशियल देखोगे इन साइड देखो होती है माइनस जीएम बाईन जी एम बाय टू आर क्यू थ्री आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर सरफेस पे जो होती है वो होती माइनस जी एम बाय आर और आउटसाइड जो होती है वो होती माइनस जीएम बाय स्मॉल आर ओके माइनस जीएम बाय स्मॉल आर देखो सरफेस और आउटसाइड तो याद रखना हमेशा ही है पोटेंशियल क्या होती है आर और और आउटसाइड पोटेंशियल क्या होती होती है आर होती है तो स, बाहर वाले पॉइंट के लिए तो स्मॉल सरफेस वाले पॉइंट के लिए कैपिटल आर हो गया ग्रेविटेशन फील्ड क्या होता है जीएम बाई आर स्क्वायर बाहर वाले पॉइंट तो के लिए स्मॉल आर स्क्वायर हो गया सरफेस वाले पॉइंट के लिए कैपिटल आर स्क्र ओके अच्छा तो अगर मैं इस वाले केस में देखूं

कैसे याद रखा जाए ये बहुत बच्चों का जेनुइन क्वेश्चन होता है तो मैंने कभी बैठ के फॉर्मुलेज याद नहीं किए कि ऐसे बैठी और एक दिन ऐसे याद किया याद किया मतलब उसको दो चार बार अच्छे से देखा और फिर इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली कि वो अपने आप रिटेन हो जाता है जैसे आपके क्लास में आपके क्लास के बच्चे जो होते हैं उनका तो नाम याद भी रखना पड़ता है ऐसे सोचते हो कि इसका नाम रमेश है रमेश है रमेश है रमेश है ऐसा नहीं करते ना वो क्या होता है बार 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 रिपीटेडली यूज करते हो तो याद हो जाता है भूल भी जाते तो पूछ रहे थे भाई नाम क्या है तेरा तो बोलेगा रमेश है तो फिर थोड़ा दो तीन बार में याद हो जाता है ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो तो जब फॉर्मूला भूल जाओ तो पीछे से जाके देख लो क्या फॉर्मूला है और उसको रिटेन करने की कोशिश करो तो अपने आप याद हो जाएगा ओके चलो आगे बढ़ते हैं अब हमारे पास लास्ट केस है रिंग वाला सर ने अभी पोटेंशियल में तुम्हें ग्रेविटी इलेक्ट्रोस्टैटिक में कराया होगा तो तुम्हें याद होगा अगर इसका रेडियस आर है और इसका ये एक्स डिस्टेंस पर है तो इसके जो फील्ड जो होता है ग्रेविटेशन फील्ड वो जी एम एक्स डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर थ्री बाई टू तो जी एम एक्स डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर थ्री बाई टू और जो पोटेंशियल जो होता है वो माइनस जी एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर ओके सो अगर ये वाला केस है फील्ड निकालोगे अगर यहाँ पे तो जी एम एक्स डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर थ्री बाई टू और पोटेंशियल जो होता है माइनस जी एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओके आगे बढ़ जाते हैं इसके थोड़ा हम्म कर लिया था एक बार हाँ। तो बेसिकली मैंने सबके लिए वी निकाल लिया ना ठीक है तो मेरे लिए यू क्या होता है क्यू इंटू वी होता है या डेल्टा यू क्या होता है चेंज इन पोटेंशियल क्यू q डेल्टा वी चेंज इन पोटेंशियल ओके तो यही पोटेंशियल एनर्जी तो जिस जिस केस के लिए आप पोटेंशियल निकाल पा रहे हो तो उस केस के लिए पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हो क्यों नहीं लिखोगे यहां पर क्या लिखोगे क्योंकि हम ये कौन सा चैप्टर कर रहे हैं ग्रेविटेशन वाला तो यहाँ पे लिखोगे मास लिखोगे तो दिस इज नॉट क्यू दिस इज मास ओके okay? सो so दिस इज द तो फॉर्मूला इसके ज्यादा डिटेल में मत जाओ ये भी याद हो जाएगा क्योंकि तुम्हें पोटेंशियल याद है तो पोटेंशियल एनर्जी भी याद हो जाएगी ओके क्वेश्चन है एट व्हाट हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ द ग्रेविटेशन पोटेंशियल एंड द वैल्यू ऑफ जी आर अच्छा बेसिकली जी डैश दे रखा ये क्योंकि तो अर्थ की सरफेस पे तो G होता है ना जी डैश तो बेसिकली किसी हाइट पर है तो पोटेंशियल की जो वैल्यू है अर्थ की सरफेस से बाहर अर्थ है उसकी सरफेस से अगर कोई बाहर पॉइंट है एच और अर्थ का खुद का रेडियस है आर तो जो पोटेंशियल है वो तो इतनी है और जो फील्ड है वो इतना है ठीक है तो पोटेंशियल क्या होती है पोटेंशियल होती क्या है अपने लिए आर की वैल्यू है कितनी कैपिटल आर प्लस एच आर क्या होता है स्मॉल आर क्या होता है सेंटर से डिस्टेंस होता है तो सेंटर से डिस्टेंस कितना होगा कैपिटल टू माइनस फाइव पॉइंट फोर इंटू टेन टू पावर सेवन और जो ग्रेविटेशन फील्ड है जिसको ई e से बोल सकते हैं आई से बोल सकते हैं वो कितना है माइनस जी एम बाई आर प्लस आर का होल इज़ इक्वल टू सिक्स ठीक है आर नी आर प्लस एच भाई पीछे पलट के देख सकते हो जो तुम, तुमने फॉर्मुला लिखे दैट इज इक्वल टू सिक्स

ये क्या? है? अब कुछ नहीं करना इनको डिवाइड कर देना है यहाँ पे माइनस नहीं आएगा ये तो प्लस आएगा, ओके सो कुछ नहीं करना इसको डिवाइड कर लेना है तो so, डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? जरा इसको सॉल्व है निकल के आ रहा है इसका तो आर प्लस जो एच है वो मेरे पास हो जाएगा

9000 किलोमीटर माइनस सिक्सटी किलोमीटर ओके तो ये अपने पास कितना ट्वेंटी सिक्स 2600 किलोमीटर तो आई होप इट इज क्लियर वी के वैल्यू रखिए आई की वैल्यू रखिए दोनों को डिवाइड किया है तो आंसर निकल आएगा जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं आई होप यू आर सोल्विंग द्वेश्चन सिटी ओके नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं

ठीक है और ये टू के जी का मास है यहां पे यहां पे भी टू के जी का मास है ऐसे सारे के सारे टू के जी के मास रखे हुए तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी है तो सबको स्केलरली ऐड कर दे डायरेक्टली तो पहले वाले की वजह से कितनी पोटेंशियल जाएगी ओरिजिन पे जी एम बाई दूसरे वाली की वजह से जी एम बाई आर तीसरे वाले की वजह से जी एम बाई आर ऐसे जी एम एट ऐसे जितने भी है जी कॉमन ले लो वन प्लस वन बाय टू प्लस वन बाई फोर प्लस बाई 8, जितनी भी चीजें तो ये वापस से क्या बन गई देख रहे हो तो जीपी बन गई है, है? है? तो है, है, है तो इनफाइनेट जीपी का इनफाइनेट जीपी का जो सम होता है वो होता है ए अपॉन वन माइनस आर ठीक है तो दिस इज टू जी ए की वैल्यू कितनी है तो दिस इज हाँ ऐसा फोर जी है और ये सब चीजें नेगेटिव में लिखते हैं पोटेंशियल तो अपने पास ये क्या आंसर आ जाएगा नेगेटिव में आंसर आ जाएगा माइनस फोर जी इज द आंसर ऑप्शन बी आई होप इट इज क्लियर पीपल आर नॉट रिप्लाइंग बट आई होप इट इज क्लियर सिटिंग ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉडी ऑफ the in, in, v, v in the potential पोटेंशियल हमने बहुत अच्छे से निकाल लिए यहां से लेके यहां तक लेके गए ये थ्री एच है ना थ्री आर है और ये कितना है है, ओके? Okay? अगर हम ध्यान से देखें तो यहां पे इनिशियल पोटेंशियल और यहां पे फाइनल पोटेंशियल तो डेल्टा कितना हो जाएगा? तो कितना है अपने पास जी एम बाई टोटल ये नेगेटिव है माइनस जी एम बाय इनिशियल का टोटल डिस्टेंस विच इज आर ना यहां से आर पे लोकेटेड है तो कितना हो जाएगा माइनस जी एम बाई फोर आर प्लस जी एम आर यानी कि थ्री बाय फोर जी एम बाय आर ये डेल्टा भी हो गया तो डेल्टा यू जो हो जाएगा वो एम इन टू डेल्टा वी हो जाएगा ठीक है तो अगर इसको देखोगे तो डेल्टा यू इज इक्वल टू थ्री बाय फोर जी एम एम बाय आर एक काम करो ऊपर नीचे आर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो क्यों क्योंकि मुझे जो ऑप्शन दिख रहा है वो जी की फॉर्म में दिख रहा है तो जी एम बाई जो आर स्क्वायर होता है बाय स्क्वायर तो डेल्टा तो यू तो जो हो जाएगा मेरे पास डेल्टा यू की वैल्यू जो हो जाएगी ये हो जाएगी थ्री बाय फोर एम जी आर तो क्या आंसर मेरे पास ऑप्शन थ्री हो जाएगा

बाहर निकल जाएगा और वो वाला जो केस होता है वो होता है एस्केप वेलोसिटी वाला केस मतलब बॉडी एस्केप कर गई है बॉडी अर्थ के सरफेस से ही बाहर निकल गई है फील्ड को क्रॉस कर गई दैट इज कॉल्ड एज एस्केप वेलोसिटी इसको हम हम करते कैसे कैसे हैं हैं इसको इसको निकालते बेसिकली हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से निकालते हैं ठीक है इसको हम निकालते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से तो यहाँ पे बॉडी की कुछ पोटेंशियल एनर्जी और मैं इसको कुछ काइनेटिक एनर्जी दूंगी और ये अर्थ के सरफेस से बाहर चली गई है मतलब ये इंफिनिटी पे चली गई है

twice of gm by आर देखो ये लिख रखा है ये अपने पास मेन फॉर्मूला है अगर तुम चाहो तो इस m को जो है रिप्लेस कर सकते हो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम से ठीक है और उसको रिप्लेस करोगे तो तुम्हारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा जो कि इसमें कन्वर्ट हो जाएगा ठीक है ओके आई होप इट इज क्लियर हाँ, तो velocity, दी तो बेसिकली एनर्जी ना बॉडी को उसने एस्केप कर दिया तो काइंटिक एनर्जी की कोई डायरेक्शन नहीं होती है तो मैं किसी भी डायरेक्शन में उतनी एनर्जी दू इधर दू इधर दू इधर दू वो एस्केप कर है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्शन दैट इज वन की तो बेसिकली मेरे पास वेलोसिटी क्या है वेलोसिटी uh,

डेंसिटी इंटू फोर अपॉन थ्री पाई आर पाई डि रो डिवाइड बाई आर है तो इसके वेलोसिटी में किसके प्रपोशन हो गई इस चीज के प्रपोशन हो गई तो क्या वीई डिवाइड बाय वीपी लिख सकती हूं मैं रो ई r e square divided by r p r p square क्योंकि तो रो डेंसिटी के रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना इस तरीके से तो मैंने ये चीज लिख दी तो उसने बोल रहा है कि अब वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है द रेशियो ऑफ द एस्केप वेलोसिटी एट अर्थ टू द एस्केप वेलोसिटी एट अ पॉइंट हुज रेडियस एंड मीन डेंसिटी आर ट्वाइस दैट ऑफ अर्थ तो मतलब रेडियस ऑफ जो प्लेनेट है वो अर्थ के प्लेनेट का डबल है डेंसिटी ऑफ प्लैनेट है वो अर्थ के प्लैनेट की डबल है अर्थ के डबल है तो बेसिकली मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा ई डिवाइड बाई वी पी कितना हो जाएगा, रो ई डिवाइड बाय रो प्लैनेट तो बेसिकली रो ई डिवाइड बाय रो प्लैनेट यानी कि वन बाय टू और ये कितना हो जाएगा ये भी वन बाय टू का होल स्क्वायर हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा वन बाई एट का रूट यानी कि वन अपॉन टू रूट टू यानी कि वन रेशो टू रूट टू तो ये बस ऑप्शन कितना हो जाएगा ऑप्शन डी भाई इसमें ऑप्शन सी कैसे आ रहा है कुछ लोगों का इसमें ऑप्शन सी कैसे आ रहा है इसका सी नहीं बेटा ऑप्शन डी आंसर है आई थिंक वो पिछले वाले, वाले क्वेश्चन का आप लोगों ने चलो आगे बढ़ जाते हैं ब्लैक होल इज एन ऑब्जेक्ट दैट इट कैन नॉट दैट इवन लाइट कैन नॉट एस्केप फ्रॉम इट वट इज द अप्रॉक्सिमेट रेडियस वुड अर्थ है ब्लैक होल ठीक है तो बेसिकली ब्लैक होल के बारे में सामने पड़ा उसका ग्रेविटेशन पुल्ड बहुत ज्यादा होता है ग्रेविटेशन पोल्ड बहुत ज्यादा होने की वजह से उसको सारे के सारे पार्टिकल उसके अंदर चल जाते हैं इतने ज्यादा की अर्थ इस इतने ज्यादा सारी इतना ज्यादा उसका ग्रेविटेशन पोल था कि जो लाइट होती है जो की थ्री इंटू टेन और एट मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही थी वो भी स्केप नहीं कर पाती है मतलब उसको तो उस उसके अंदर ही वो चली जाती है तो बेसिकली जो एस्केप वेलोसिटी है वो स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा है तो लिमिटिंग केस क्या हो जाएगा एस्केप वेलोसिटी जो है लिमिटिंग केस क्या हो जाएगा एस्केप वेलोसिटी जो है वो मेरे पास स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है तो बस क्या हो जाएगा 2GM R C² तो रेडियस कितना हो जाएगा रेडियस जो देगा 2G टू जी एम डिवाइड बाई सी स्क्वायर यानी कि टू इंटू सिक्स इंटू टेन टू पावर माइनस इलेवन इंटू एम फाइव पॉइंटीन स्क्वायर किया ठीक है थीके? ये कुछ बहुत बड़ी सी कैलकुलेशन है आप इसको सॉल्व कर सकते हैं ठीक है थोड़ा तो सा अप्रोक्सीमेटली लेने का कर लेना हो जाएगा ठीक है बस मैंने तरीका बता दिया कि स्पीड ऑफ लाइट किस तरीके से है कि बेसिकली इतने लाइट भी, तो भी उसके अंदर चल जाए तो केस क्या है कि उसका लिमिटिंग केस उस, उस है वो स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा है लिमिटिंग केस क्या स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है ओके तो ये आंसर हो जाएगा

रूट के प्रोपोर्शनल। तो v- डैश डिवाइड बाई वी ये प्लानिट के लिए ये है और ये अर्थ के लिए है आर डैश तो एक दूसरे के बराबर तो कैंसिल हो जाएगा और आर डैश डिवाइड बाई आर कितना के बराबर सॉरी आर डैश डिवाइड बाई आर

इज कैप्ट एट रेस्ट ओके ये रेस्ट पर रखा है इसको मैंने प्रोजेक्ट किया तो ये इन्फिनिटी पे चला गया इन्फिनिटी पे जाकर सिर्फ फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई और पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो हो गई तो इसकी इनिशियल अगर मैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लिखूं तो वो कितनी हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगी इसकी लेट्स इसका एम मास है और इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी माइनस जी एम टोटल डिस्टेंस तो एनर्जी कंजर्वेशन से देखूं तो फाइनल प्लस

2R, ऐसा कुछ है क्या हाँ ऑप्शन वन है ऑप्शन ए, ओके, तो ये मेरा आंसर है तो जी एम बाई टू आर की पावर वन बाई टू आंसर मिल गया I hope this is clear. जो यहाँ पे बैठे हुए हैं जस्ट डोंट लुक एट द स्क्रीन बट कीप ऑन डूइंग द क्वेश्चन चलो आगे बढ़ जाते हैं। किलोमीटर पर सेकेंड अच्छा एक कोई सेटेलाइट है बेसिकली एक मास की बॉडी अगर उससे निकलना है तो मुझे इसके फिलोसिटी जो है वो मेरी इलेवन किलोमीटर पर सेकेंड है वर्टिकल बी the मैंने क्या बताया था वेलोसिटी बेसिकली हम एनर्जी कंजर्वेशन कर सकते हैं करके निकालते हैं तो काइनेटिक एनर्जी मैं ऐसे दू, ऐसे दूं काइनेटिक एनर्जी वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है velocity

अगर कोई प्लेनेट है उसके चारों तरफ अगर कोई सैटेलाइट रोटेट कर रही है ठीक है ये सैटेलाइट की ऑर्बिट है प्लेनेट तो ये वाला ठीक है और जो बाहर है वो सैटेलाइट की ऑर्बिट है तो कितनी ऑर्बिट से कितनी वेलोसिटी से मूव करे कि वो उस ऑर्बिट को मेंटेन करके रखे तो बेसिकली इतनी वेलोसिटी होनी चाहिए कि इसका जो सेंट्रीफिगल फोर्स है mv2/small r वो किसको बैलेंस आउट कर ले ग्रेविटेशन फोर्स को बैलेंस आउट कर ले जो ये प्लेनेट लगा रहा है तो उस सर्किल में घूमती रहेगी वो स्मॉल आर होता क्या है देखोगे तो बेसिकली ग्रेविटेशन फोर्स को तो किसनेस रखा है ने, तो वो अपने आप रोटेट करते रहती है Gm1, ये ऑब्जेक्ट सेटेलाइट का मास से स्मॉल है ठीक है ये सेटेलाइट है जो चारों तरफ घूम रही है इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर तो यहाँ पे जो मेरे पास वी जो होता है वो जी एम बाय स्मॉल आर रहता है रूट ओवर थोड़ा थोड़ा कुछ देखा सा फॉर्म लग रहा है ये ऑर्बिटल वेलोसिटी है बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी जो होती है वो ट्वाइस ऑफ जी एम बाय कैपिटल आर होती है और कैपिटल आर जो है वो प्लैनेट का रेडियस होता है और यहाँ पे स्मॉल आर है सेटेलाइट की ऑर्बिट का रेडियस है ओके और यहाँ पे रूट टू नहीं आता है इस वाले में याद रखोगे कुछ कुछ सेम सेम से है चलो आगे बढ़ जाते हैं अगर कोई सैटेलाइट, ये प्लेनेट है और ये कोई सैटेलाइट है ये सैटेलाइट की ऑर्बिट है बेसिकली सैटेलाइट ये वाली है तो इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है जीएम बाई स्मॉल आर होती है स्मॉल आर दिस रेडियस तो इसे एनर्जी कितनी हो जाएगी हाफ एम वी नॉट स्क्वायर ठीक है तो काइंटिक एनर्जी कितनी हाफ एम जी एम बाई आर यानी कि जी एम एम बाय टू आर रहेगी एनर्जी है ये पॉजिटिव होती है अच्छा पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है माइनस जी एम एम बाय स्मॉल आर आर डिस्टेंस पे ये होता है भाई तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाती है मेरे पास टोटल एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी विच इज माइनस जी एम एम बाय आर प्लस जी एम एम बाई टू आर यानी कि माइनस जी एम एम बाई टू आर तो ये मेरे पास काइनेटिक एनर्जी सॉरी एक सेकेंड ना इसको तो साफ से ले देते जी एम एम बाई टू आर कम आउट होती माइनस जी एम एम बाई टू आर तो अगर ध्यान से देखोगे तो ये तो मेरी जो है वो है काइनेटिक एनर्जी ये है मेरी पोटेंशियल एनर्जी और ये है मेरी टोटल एनर्जी आप देखोगे तो काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी जो है वो सेम ही है मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन तो अगर देखोगे तो जो टोटल एनर्जी जो होती है वो नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है और काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है अच्छा टोटल एनर्जी और इस टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में भी वो निकाल सकते हैं क्या तो अगर टोटल एनर्जी का डबल कर दे टोटल so, एनर्जी का डबल कर दे तो पोटेंशियल एनर्जी मिल जाता है यानी कि पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी की हाफ होती है ठीक है तो पोटेंशियल एनर्जी बाय टू ओके तो मेरे पास ये एक इंपॉर्टेंट चीज आ गई तो टोटल नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी और विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ओके चलो अब हम एक क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग द अर्थ एट अ हाइट फाइव आर अबाउट द सरफेस ऑफ द अर्थ ठीक है ये फाइव आर हाइट पर है और ये आर है इसका रेडियस आर बीइंग द रेडियस ऑफ द अर्थ द टाइम पीरियड ऑफ द अनदर सैटेलाइट अच्छा जियो स्टेशनरी सेटेलाइट क्या होती है पहले तो बता से है, एक से तो वो देती हूँ आपको जियो स्टेशनरी सटेलाइट होती है स्टेशनरी दिखाई मतलब वो अर्थ के साथ साथ ही घूम रही है किसी एक पॉइंट से देखो तो वो स्टेशनरी दिखाई दे रही है तो मतलब वो अर्थ के साथ साथ ही घूम रही है अर्थ के साथ साथ घूम है तो मतलब उसका टाइम पीरियड कितना है ट्वेंटी फोर आर ही है अर्थ की तरह ओके तो एक जियो स्टेशनरी सेटेलाइट है जो कि फाइव आवर पर है और एक दूसरी सेटेलाइट है जो कि टू आवर पर है

तो मेरे पास यही चीज हो जाएगी तो अगर देखोगे तो दिस विट कम आउट बी टू पाए रूट जी और ये r इंटू रूट आर तो टाइम पीरियड है वो रेडियस r इंटू रूट आर के प्रोपोर्शनल है क्या मैं कह सकती है कि r की पावर थ्री बाय टू के प्रोपोर्शनल है तो t1 वन अपॉन जो होता है क्या वो r1 वन अपॉन आर टू टू दी पावर थ्री बाय होता है हाँ होता है ठीक है तो हम्म तो इसका r1 वन कितना है आर इसका सिक्स है और इसका कितना है? है, और और तो टी टू की वैल्यू जाएगी वो जाएगी ट्वेंटी फोर इन टू ट्वेंटी फोर डिवाइड बाई टू की पावर थ्री बाई टू यानी कि ट्वेंटी फोर डिवाइड बाई टू रूट टू

प्लैनेट स्वेप इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं, ना ये अर्थ की ऑर्बिट है, है यहां तो कि कि तक मूव करी है तो बेसिकली कि उसने कितना एरिया स्वाइप किया है इतना एरिया इतना है कि नहीं वाला उसने इतना एरिया स्वाइप किया है ओके okay? ये टी टाइम में किया है अगर सपोज वो टी टाइम में यहां से लेके यहां तक मूव करती है से कि यहां से लेट से यहां से लेके यहां तक मूव करती है ठीक है तो वो कितना एरिया स्वाइप करेगी इतना एरिया स्वाइप करेगी तो ये भी उसने टी टाइम में किया तो बेसिकली अगर ये वाला एरिया ए वन है और ये वाला एरिया ए टू है और दोनों को सेम टाइम लगा है तो so, a1 वन इज इक्वल टू ए होने वाला है तो इट्स स्वाइप इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो अगर कोई दो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम लेटा तो उससे एरिया जितना स्वाइप किया होगा वो सेम होगा ठीक है तो डी ए बाई डी टी जो होता है इसको अभी के लिए याद कर लो वो कांस्टेंट होता है ठीक है और डी ए होता है हाफ इंटू वेलोसिटी इंटू वो कैसे निकाला तुमने वो कैसे निकालते हो बेसिकली अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये तुम्हारा डी ए है ठीक है एक अगर तुम उसको ध्यान से देखोगे देखो उसने ये डी ए एरिया कवर किया है ठीक है ये एरिया जो है डी ए लेट से डी टी टाइम में कवर किया है तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी VDT हो जाएगी अच्छा ये कितना है लेट से जो रेडियस है वो r है ये एवरेज जो रेडियस है वो आर है तो बेसिकली जो स्वाइप्ड एरिया है वो कैसा दिखेगा स्वाइप एरिया ट्राइंगल जैसा दिखेगा ठीक है मैंने इसको निकाल के अलग कर लिया ठीक है ये स्वाइप एरिया है वो निकाल के अलग कर लिया ये तो मेरे पास वी डी टी हो जाएगा और ये जो चीज है ये वाली ये कितनी हो जाएगी आर हो जाएगी ये कितनी हो जाएगी आर हो जाएगी तो एरिया कितना हो जाएगा डी ए एरिया जो हाफ वी डी टी हो जाएगा बेस तो डी ए बाई डी टी कितना हो जाएगा हाफ वी इंटू आर हो जाएगा तो बेसिकली मेरे पास ये चीज निकल गई है आ तो गई है हाफ बेस इंटू हाइट तो हाफ वी इंटू आर बच जाता है डी वी बाई डी टी तो अगर ये कांस्टेंट है तो

हाफ v1 r1 हाफ v2 r2 ये चीज लिखूंगी मैं हाफ v1 r1 हाफ v2 r2 तो v1 r1 v2 r2 तो मुझे ये बात समझ आती है कि अगर r1 इज ग्रेटर देन r2 है तो v1 इज लेस देन v2 होगा तो जब अर्थ दूर होती है सन से तो धीरे मूव करती है और जब सन के पास होती है तो तेज स्पीड से मूव करती है ओके तो जब अर्थ सन से दूर होती है तो धीरे स्पीड से मूव करती है यानी कि आर वन जब होता है और जब अर्थ सन के पास होती है जब होता है, तो तेज स्पीड से मूव करती है ओके? है। बाकी कैपलर्स का थर्ड और फाइनल लॉ है वो यहीं से अपन ने पढ़ लिया था तो मेरे को याद है कि मैंने बताया था ये वाला रिजल्ट टी जो है वो आर टू पावर थ्री बाई टू के प्रपोर्शन होता है ठीक है

Let us know. These notes will be provided in the Telegram channel. You may wait for some time. This will be uploaded. And you have anything to ask, you may ask. And I wish you all the very best. Keep studying. Okay? Thank you.